अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपके घरों को खुशियों से भर दे। तो बकर ईद की मुनासबत से आज जो रेसिपी हम लेके आ रहे हैं वो है जी मटन पाया की रेसिपी। और इंशाल्लाह बहुत ईजी वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही ईजी रेसिपी होगी। और इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी देखेंगे और आप भी बना लेंगे ईद पे। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये देखें जी, हमने ये पाए लिए हैं, 6 अदद पाए हैं। और साथ में हम इसमें डालेंगे जी मसाले, ठीक है? ये देखें जी, जो जो मसाले हैं, एक इनमें 1/2 टेबल स्पून जो है हमने ले लिया है नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, और 1/2 टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर है, और 1 टीस्पून जो है ये सूखा धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ही गर्म मसाले का पाउडर है, और ये जो है 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। तो ये जो व्यूवर्स, मैं आपको पहले भी बताती हूँ, ये जो सारे मसाले हैं ये आपके टेस्ट पे जो है ये मुनहसर हैं। जितना आप लाइक करते हैं उस हिसाब से यूज़ करें, लेकिन इनको थोड़ा कम ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ हमने 2 से 3 अदद जो है बारीक मिर्चें जो हैं हरी, वो उनको काट लिया है। और इसमें चलेंगे जी मसाले, कड़ी पत्ता ले लिया हमने एक, उसको 2 पीस में ऐसे ही टुकड़े कर दिए हैं उसके, दालचीनी ली है, और 2 से 3 अदद लौंग और काली मिर्चें ले ली हैं 4 से 5 अदद। तो ये दरमियाने साइज के 2 अदद जो हैं ये हमने प्याजे ले ली हैं, इनको काट लिया है, 1 अदद बड़े साइज का टमाटर ले लिया है, और 1.5 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, और ले लिया है जी हमने 1 चम्मच जो है ऑयल लिया है। ऑयल आप पायों में ज्यादा ना डालिएगा तो ये अच्छा भी नहीं है सेहत के लिए, और दूसरा जो है पाए वो भी अपना ऑयल छोड़ते हैं, तो इसीलिए थोड़ा एहतियात से आप ऑयल डालेंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं और ये सामान हम थोड़ा साइड पे लगाते हैं, और सबसे पहले जो है हम पाए जो हैं उनकी ऐसा करेंगे स्टार्टिंग के हमारे पायों की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और पाए अच्छी तरह से धुल जाएं। तो बाउल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पाए डालेंगे। पाए मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं, अब इनकी स्मेल ख़त्म करने के लिए तो ये जो आटा है, गेहूँ का आटा है, ये मैं इस पर अच्छी तरह से लगा के, तो इसको ये देखिए, इसको इस तरह से जो है आपने मिक्सअप कर लेना है, और इससे जो है इसकी स्मेल बहुत हद तक रिमूव हो जाएगी, बहुत हद तक। और उसके बाद आपने इस तरह से बड़ी तसल्ली से एक एक पाया ऐसे अच्छी तरह से आपने साफ करते जाना है, ताकि अगर इनके ऊपर कोई बाल भी है तो वो भी रिमूव हो जाए। हाथों से भी कर सकते हैं और आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। तो चलें जी, इनको अच्छी तरह से आटा मिक्स करके तो धो के जो है तो आपको दिखाते हैं फिर जी। तो आटे के साथ जो था, अच्छी तरह से पायों को धोने के बाद 1 चम्मच जो है नमक डालकर मैंने पायों को बॉयल कर लिया है। आप देखें जरा इसके ऊपर झाग जो है कैसी लेसदार है। तो अब ये जो है इनको हम अच्छी तरह से धोएंगे, इसको उबाला दिला दिया है मैंने, तो अब इनको अच्छी तरह से धोएंगे तो इस तरह से आपके जो पाए हैं 100% जो है ये क्लीन हो जाएंगे और स्मेल फ्री हो जाएंगे जी। तो देखिए माशाल्लाह से पाए बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो अब हमने कुकर में जो है ऑयल डाल दिया है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रेसिपी शुरू कर देते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है तो उसमें हम कड़ी पत्ता और लौंग और काली मिर्च जो है वो डाल के इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, और साथ ही इसमें जो है हम प्याज ऐड कर देंगे जी। जी प्याज डालने के बाद थोड़े से हमने भूने हैं, और अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, इसको भी थोड़ा भूनते हैं जी। तो प्याज और लहसुन अदरक हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, तो पाए जो हैं 6 से 8 अदद पाए हैं, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डाल देंगे और इनको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट भुनाई के बाद जो मसाले थे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऐड करेंगे अच्छी तरह से, कुछ रह ना जाए, और साथ ही इसमें हम हरी मिर्चें और टमाटर ऐड कर देंगे, और इनको मज़ीद जो है 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि तमाम जो मसाले हैं वो पायों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और भून जाएं जी। तो ये देखिए हमने एक जो है डब्बा पानी का लिया है, तो पाए चूँकि गलने में टाइम लेते हैं तो आप इसमें थोड़ा ज़रा पानी ज़्यादा डालेंगे, बस इस कदर आपने पानी डालना है कि जिसमें ये अच्छी तरह से डिप हो जाए,
अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर में जो है इसको लगा देते हैं ताकि अच्छी तरह से गल जाएं। आधे घंटे के 25 से तकरीबन 30 मिनट के दम के बाद जो है हमने कुकर खोला है और ये देखें माशाल्लाह से किस कदर हमारे बेहतरीन माशाल्लाह से पाए जो हैं वो माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। तो इनको जो है हम अब 2 से 3 मिनट के लिए मजीद भूनते हैं जी। तो 2 से 3 मिनट हमने भूनने के बाद तो इसमें आधा ग्लास पानी का डाला है ताकि इसकी थोड़ा सा इसका जो है वो शोरबा बन जाए, ग्रेवी बन जाए। तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर डालेंगे जी। तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर डालेंगे जी। और ये देखें सूखी मेथी है, ये इसके लिए अच्छी खुशबू के लिए इस पे डालते हैं जी। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा पायों का सालन बिल्कुल रेडी है और ये देखें माशाल्लाह से पाए बेहतरीन गल चुके हैं। ये देख सकते हैं आप उनकी ग्रेवी भी गाढ़ी है माशाल्लाह से। तो इसको अब हम थोड़ा सा धनिया डालते हैं इस पर और आपको जो है वो डिश आउट करके दिखाते जी। तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह से मटन पाए हमारे रेडी हैं बिल्कुल इजी वे में, मैंने आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ईद पर इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो व्यूवर्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपसे इजाज़त लेते हैं, फी अमानुल्लाह।